हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज नवरात्रि का सातवां व्रत है और आज मैंने फास्ट रखा है। थोड़ी पूजा की मैं आपके साथ अपनी शेयर करूंगी, पूजा कैसे करूंगी अपने नवरात्रि के व्रत की। तो 2 दिन का मैं व्रत रखूंगी, आज और कल, और फिर नवमी वाले दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। नवमी किसी के यहाँ अष्टमी होती है तो हमारे, और किसी के यहाँ नवमी, हमारे यहाँ नवमी पूजन होता है। मैंने माता को स्नान करा दिया है, उनको वस्त्र पहना दिए हैं और अब मैं उनको फूल अर्पण कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद मैं उनको बिंदी लगा रही हूँ, ये देखिए छोटी सी बिंदी है, ये मैं उनको लगा दूँगी। पान का पत्ता और आम का पत्ता भी चाहिए होता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ लॉकडाउन था। ये मैं इलायची और जायफल चढ़ा रही हूँ। अब यहाँ मैं अपनी जोत तैयार कर रही हूँ। मैं वैसे पूरे नवरात्रि रखती हूँ, अब किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं इस बार नहीं रख पाई हूँ। मैं पूरी अखंड जोत जलाती हूँ 9 दिन तक नवरात्रि में, और इस बार मैं आज लगा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं नहीं रख पाई व्रत। जोत में मैंने देसी घी डाल दिया है। अब मैं उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाऊंगी, 5 स्वास्तिक बनाऊंगी मैं अपनी अखंड जोत पर। अब मैं रोली का तिलक लगा रही हूँ भगवान को। अब मैं पहले अपना कवच और उसके बाद पाठ करूंगी, फिर उसके बाद आरती करूंगी। मैं 9 दिन तक नहीं कर पाई हूं, तो मैं इन 2 दिनों में ही अपने पूरे पाठ कर लूंगी, पाठ का जप कर लूंगी और अपने नौवें वाले दिन अपना कन्या पूजन करूंगी। मैं पूजा कर किचन में आ गई हूँ। मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आज मैं उनके लिए पास्ता बना रही हूँ। माता के भजन मैंने चलाए हुए हैं और उसको सुनते हुए, उनका आनंद लेते हुए मैं अपना बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी। नवरात्रों में प्याज और लहसुन तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, फास्ट होता है, तो इसलिए आज मैं पास्ता बिना प्याज के बनाऊँगी। देखते हैं बच्चों को कैसा लगता है। पास्ता बॉयल हो गया है, अब मैं कॉर्न को क्लीन करूंगी। कॉर्न निकाल कर उनको पानी से अच्छे से धो लूंगी। सब्जियों में मैं सिर्फ कैप्सिकम ग्रीन और येलो यूज़ कर रही हूँ आज।
अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए और अपनी मेड के लिए, और साथ ही साथ मैं उसके साथ कुछ थोड़ा मखाने बनाऊँगी। घी में थोड़ा सा उसको रोस्ट करके उसके साथ वो लूँगी। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगी, मैं एक टाइम ही चाय और जो भी लेना होता है उसके साथ ले लेती हूँ। तो आज मैं चाय और मखाना ले रही हूँ। इसके बाद मैं शाम को ही पूजा के बाद अपना कुछ भी खाना जो भी बनाना है, नमक का खाते हैं हम लोग, वो मैं शाम को लूँगी इस पूजा के बाद। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।